कंझावला केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और ये विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। अंजलि की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब बात सामने आई है। 36 चोट का जिक्र हुआ है, करीब 15 गहरे जख्म उसके शरीर पर मिले हैं। गाड़ी से घसीटने की वजह से अंजलि की मौत हुई है, लेकिन जैसा कि दावा अंजलि की दोस्त निधि ने किया था कि उस रात अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी, कहीं ना कहीं अब उस दावे पर प्रश्न खड़ा हो रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली हॉरर किलिंग में दिल दहला देने वाली ये जानकारी सामने आई है। अंजलि की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। और इससे सबसे अहम जानकारी ये है कि 36 चोट का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है और जैसा कि दावा निधि ने किया था कि अंजलि ने उस रात बहुत शराब पी रखी थी और जिस वजह से उन दोनों के बीच में बहस भी हुई, वो जिद कर रही थी कि मैं ही स्कूटी चलाना चाहती हूँ, दोनों के बीच में बहस भी हुई, अपने दोस्त के साथ उसका झगड़ा हुआ। जो भी कहानी निधि ने सुनाई है, जिस तरह का दावा रिपोर्ट में हुआ है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, तो कहीं ना कहीं अब निधि ने जो कहानी बताई है, जो थ्योरी निधि की तरफ से दी गई है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गाड़ी से घसीटने की वजह से मौत हुई है, सिर की हड्डियां टूटी हैं, पसलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो अब देखिए, ये दिल दहला देने वाली जानकारी है। दिल्ली हॉरर किलिंग में ये जानकारी आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आप सोचिए कितनी दर्दनाक मौत अंजलि की हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली जानकारी से ये साफ होता है।